नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय व प्रामाणिक न्यूज चैनल श्री डूंगरगढ़ टाइम्स। आइए देखते हैं आज 2 सितंबर 2024 को हमारे क्षेत्र से खास खबरें एक साथ वीडियो न्यूज बुलेटिन में। भादवी की अमावस्या के पूर्व रात्रि पर गांव पुनरासर में गुरु पालोजी महाराज की तपोस्थली कोसबाड़ी धाम में ग्रामीणों के सहयोग से भक्तिमय जागरण व अग्नि नृत्य का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आयोजन में भाग लिया और प्रतिवर्ष की भांति सोमवार सुबह यहां हवन पूजन के साथ कन्या भोजन का आयोजन संपन्न हुआ। क्षेत्र के गांव सुरजनसर में बीती रात गोगा जी महाराज के जागरण में भजन कलाकारों ने सुंदर भजनों की प्रस्तुतियां दी। यहां परंपरागत डेरू वाद्य के साथ भजनों की भक्ति रसधार में श्रद्धालुओं ने खूब गोते लगाए। झूमते हुए लोग देवी देवताओं के जयकारे लगाए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आयोजन में शामिल हुए और गाँव के युवाओं ने आयोजन की व्यवस्थाएं संभाली। आयोजकों ने सभी का आभार जताया। क्षेत्र के गांव कुंतासर निवासी 30 वर्षीय कालूराम पुत्र तोड़ाराम नायक 31 अगस्त शनिवार को खेत में स्प्रे कर रहा था और अचानक स्प्रे के असर से उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे अस्पताल ले गए जहां इलाज के दौरान रविवार को युवक की मौत हो गई। मृतक के छोटे भाई जेठाराम ने पुलिस को रिपोर्ट दी और पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मर की जाँच हेड कांस्टेबल बलवीर सिंह को दी गई है। नगर पालिका द्वारा कचरा संग्रहण व्यवस्था के दौरान कालू रोड पर स्थित पक्का जोहड़ के पास छोटा डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है, जिसमें टैक्सियों द्वारा शहर का सुबह कचरा संग्रहण कर डाला जाएगा। सोमवार सुबह से पालिका ने इस प्रयोग पर कार्य करना प्रारंभ किया और मोहल्ले वासी इसके विरोध में उतर गए। मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंच गए और टैक्सियों को रोक कर यहाँ कचरा नहीं डालने की बात कहते हुए नारेबाजी करने लगे। ये लोग आबादी शिव मंदिर व बड़ी सरकारी स्कूल के निकट कचरा संग्रहण नहीं किए जाने की मांग करने लगे। श्याम सुंदर पुरोहित, रणजीत बोहरा, महादेव बोहरा, पार्षद पवन उपाध्याय सहित अनेक लोग मौके पर पहुंचे और पालिका द्वारा यहां कचरा नहीं डाले जाने की मांग करते हुए विरोध जताया। अखिल भारतवर्षीय गुजर गोड ब्राह्मण महासभा के भव्य महासम्मेलन का आयोजन हरिद्वार में संपन्न हुआ। महर्षि गौतम के पूजन से शुरू हुए इस महासम्मेलन में देश भर से आए गुजर गोड समाज के वरिष्ठ नागरिक, युवा और मातृशक्ति ने भाग लिया। महासम्मेलन में क्षेत्र के गांव आड़सर के निवासी और दिल्ली प्रवासी उद्यमी अनिल जोशी ने वक्ता के रूप में अपनी भागीदारी निभाते हुए कहा कि समाज के विकास के लिए आवश्यक है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति में सामूहिक सोच के साथ समर्पण के भाव हो। इस मौके पर महासभा संरक्षक ओम प्रकाश जोशी, हरिद्वार ट्रस्ट अध्यक्ष जे एम जोशी, महासभा अध्यक्ष सत्य प्रकाश जोशी, महासभा प्रधानमंत्री जय किशन पंचारिया, युवक संघ अध्यक्ष रमेश खटोड़ आदि ने अनिल जोशी का सम्मान किया। महासम्मेलन में वक्ताओं पदाधिकारियों ने समाज हितार्थ विषयों पर विचार रखे और विभिन्न निर्णय लिए। तो समाज के लिए ये सबसे पहले जरूरी है कि एकता का जो विषय है उस पे अपने को मिलजुल के एक दूसरे का साथ देना चाहिए। क्षेत्र के गांव सूड़सर में सैकड़ों बीघा भूमि अवाप्त कर सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की तैयारी कर रही अवाड़ा कंपनी के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए किसान आवाज बुलंद हो रही है। किसानों ने वादा खिलाफी पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरनार्थियों ने किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। किसान राहत संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने धरना शुरू किया और किसानों ने मंगलवार को धरना स्थल पर अनेक जनप्रतिनिधियों के शामिल होने का दावा किया। बता दें सूड़सर में स्थानीय ग्रामीण व किसान कंपनी द्वारा किए गए वायदों को पूरा करवाने, समझौतों को लागू करवाने, सभी 6 प्रकार के कार्य, ऑपरेटर, कारीगर, कुशल व अकुशल कामगार, विभिन्न मशीनरी आदि गांव के ही लगाने, जिन परिवारों की भूमि ली गई है उन परिवारों में से एक सदस्य को नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र से सभी राजनीतिक, आपराधिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक समाचारों से जुड़ने के लिए आप आज ही जुड़े श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ और अपडेट रहें अपने क्षेत्र की हर खबर से। धन्यवाद। शुभ रात्रि।